नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार छात्रों, हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था संस्कृत का पाठ 7, कक्षा 7वीं का, जिसका हमने किया था सारांश। और आज हम पढ़ेंगे शब्दार्थ सहित हिंदी अनुवाद। संकल्प सिद्धिदायक मीन संकल्प, जो भी हम संकल्प लेते हैं, निश्चय करते हैं, वह पूरा हो जाता है हमारा परिश्रम करने के बाद। तो चलो स्टार्ट करते हैं संस्कृत का हिंदी में अनुवाद। शब्दार्थ सहित संकल्प सिद्धिदायक। संकल्प होता है दृढ़ निश्चय, और सिद्धिदायक मीन पूरा हो जाता है। पार्वती शिवम पति रूपेण अवाच्छत। पार्वती पति के रूप में शिव को चाहने लगती है। अतर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत। ऐसे ही वह तपस्या करने की इच्छा उसके मन में जागती है। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेद्यत। मीन वह अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए, मनोरथ को पूरी करने के लिए क्या करती है, इसके लिए वह तपस्या करती है। करने के लिए किसे? तच्छुत्वा माता मीना चिंता कुलाभवत। तपस्या करने के लिए जब वह कहती है अपनी माता मीना के साथ, तो उसकी माता जो थी वह चिंता में डूब जाती है। उसको चिंता होने लगती है कि पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी, इसके लिए वह तपस्या करना चाहती थी। उसने अपने माँ इच्छा माँ को बताई। ये सुनकर माँ मीना चिंता से व्याकुल हो गई। पार्वती की इस बात को सुनकर उसकी माँ चिंता से व्याकुल हो गई। मीना, अब उनमें दोनों में वार्तालाप होता है, तो आइए सुनते हैं। वत्से मनीषिता देवता गृहे एव संति। वत्से मीन बेटी, कि सभी देवता जो हैं सब कुछ हमारे घर में है। तपा कठिनम भवती, तपस्या करना जो होता है वह कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तुम्हारा जो शरीर है वह क्या है? सुकोमल है, मीन सॉफ्ट हृदय है। आप बहुत ही सुकोमल हृदय वाली हो। गृहे एव बस, और घर में रहती हो। अत्रेव तवा अभिलाषा सफलम भविष्यति। तुम्हारी जो अभिलाषा है वह भविष्य में सफल हो जाएगी। पार्वती, पार्वती क्या कहती है कि अम्बा तादृशा अभिलाषा तू तपसा ए पूर्णा भविष्यति। तो पार्वती कहती है कि माँ, ऐसी जो अभिलाषाएं हैं, ऐसी जो इच्छाएं हैं, वह तपस्या करने के बाद पूरी होती है। अन्यथा तादृशम च पतिम कथम प्राप्यस्यामि। अन्यथा ये ऐसा पति नहीं मिलता है, प्राप्त नहीं होता है। अहम तपा एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। और मैं ये तपस्या करने के लिए दृढ़ निश्चय से तैयार हूँ। दृढ़ निश्चय करके मैं इस तपस्या को करना चाहती हूँ। मीना, पुत्री त्वमेव मे जीवना अभिलाषा। तुम्हारी जो है जीवन में जो भी इच्छा है। पार्वती, सत्यम सच है। परम मन मम मना लक्ष्यम प्राप्तुम अकुलितम वर्तते। अब पार्वती कहती है कि मेरा जो मन है वह अपने लक्ष्यों को पाने के लिए व्याकुल है। सिद्धि प्राप्या पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। और इसको पाने के लिए मैं जो है आगे तप कर
करने को तैयार हुई। अदेव ऐसा ही है। विजया उसकी सहेली, विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामी, कि मैं अपनी सहेली के साथ, विजया के साथ गौरी शिखर पर जा रही हूँ। तथा पार्वती निष्क्रामती, फिर पार्वती ऐसा कहकर बाहर चली जाती है। अब एक बार फिर सुन लो। मैना, बेटी इष्ट देवता तो घर में ही होते हैं, तप कठिन होता है, तुम्हारा शरीर कोमल है, घर पर ही रहो, यही तुम्हारी अभिलाषा पूरी हो जाएगी। फिर पार्वती, माँ ऐसी अभिलाषा तो तपस्या द्वारा ही पूरी होगी, अन्यथा मैं वैसा पति कैसे पाऊँगी, मैं तप ही करूँगी, ये मेरा संकल्प है। मैना, पुत्री तुम ही मेरा जीवन अभिलाषा हो। पार्वती, ठीक है, पर मेरा मन लक्ष्य पाने के लिए व्याकुल है, सफलता पाकर पुनः तुम्हारी ही शरण में आऊँगी। ऐसा कहती है पार्वती अपनी माँ से। आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर जा रही हूँ। उसके बाद पार्वती बाहर चली जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ करते हैं। पार्वती मनसा बचसा कर्मणा च तपा एव तपती स्म, कि मन की जो इच्छा पूरी करने के लिए, जो कर्म करने के लिए तपस्या करने के पड़ती है, कदाचित रात्रो स्थल डले। फिर पार्वती जो थी मन वचन से पूरा अपनी तपस्या को करने में लग जाती है। कदाचित रात्रो स्थल मंडले नीचे सोती है, कदाचित शिलाया स्वपीति किसी शिला पर सो जाती है। एकदा विजया अवदत, एक दिन विजया बोली, विजया सखी है उसकी, पार्वती की सहेली, तपहा प्रभावात हिंसक पशुओं अभी, हिंसक पशु जो भी हिंसक पशु हैं, तब सखाया जाता, तुम्हारे जो हैं सारे हिंसक पशु भी दोस्त बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अच्छा, तूने पंचाग्नि व्रत भी पूरा किया है, तब भी तेरी अभिलाषा जो है पूरी नहीं हुई, पुनरपि तब अभिलाषा ना पूर्ण अभवत, ये व्रत करके भी तेरी अभिलाषा जो है पूरी नहीं हुई। पार्वती, आई विजय, अरे विजया किम ना जानसी, क्या तू नहीं जानती है, मनस्वी कदापि धैर्यम ना परिचयति परित्याजति, मीन मनस्वी जो है वह कभी भी मैं धैर्य जो है नहीं त्यागूंगी, मैं धीरज नहीं त्यागती, अपि च मनोरथानाम आगति नास्ति, मैं अपना मनोरथ पूरा करके रहूंगी। विजया, त्वम द्वेदम अदितवती अदितवती, विजया कहती है तूने वेदों का भी ज्ञान लिया, यज्ञ संपादित बती और यज्ञ भी संपन्न किए, तपा कारणात जगती तव प्रसिद्धि, फिर भी तुम्हारी तपस्या जो थी वह सफल नहीं हुई। अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रार्थिता पुनरपि तपसा फल नैव दृश्यते, और इस प्रकार जो तपस्या का फल प्राप्त देखने के लिए देख तपस्या का जो भी फल मिलता है उसको देखते हैं। पार्वती ने मन वचन व कर्म से तप ही किया, तभी रात को भूमि पर कभी शिला पर सोती थी तो एक बार विजया ने कह दिया, सखी तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए, पंचाग्नि व्रत भी तुमने किया, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती, अरे विजया क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कभी धैर्य नहीं छोड़ता, मीन कभी भी जो भी मन में धार लेता है वह धैर्य नहीं छोड़ता। एक बात और, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती और इच्छा की भी कोई सीमा नहीं होती। विजया, तुमने वेद का अध्ययन किया, यज्ञ किया, तप के कारण तुम्हारी संसार में ख्याति है, अर्पणा इस नाम से भी तुम विख्यात हो, फिर भी तप का फल नहीं दिखाई दे रहा। अभी दोनों सहेलियों में बातचीत हो रही है। अब इस पैराग्राफ में देखते हैं कि क्या हुआ। पार्वती, आई आतुर हृदय कथम त्वम चिंतता, तो वो उसका जो हृदय था वो आतुर हो गया,
कथम तवम चिंतवा, क्यों चिंता करती हो? नृपेथे मीन पर्दे के पीछे से, वो हम आश्रम बटु मीन जलम बच्छामी बिजे स्वभ्रमम मीन सब अपने भ्रम को दूर करने, पश्य को ओपी वटु आगतो अस्ति। तभी क्या होता है कि एक ऋषि आ जाता है, विजया झटिटिति अगच्छत, झट से जाती है, सह सेव बटु रूपधारी शिवा तत्र प्रवाशित, और उसमें ऋषि का रूप धारण करके शिव वहाँ आ जाते हैं। विजया बटो हे ऋषि स्वागतम ते, आपका स्वागत है, उपविशतु भवान बैठो, यम मैं सखी पार्वती अपनी सखी पार्वती को बुलाती हूँ, शिवम प्राप्तुम अत्र तपा करोति, वह है शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है। विजया उसको बता देती है ऋषि को, तो ऋषि क्या कहता है आगे पार्व, अरे व्याकुल हृदय वाली तुम चिंतित क्यों हो पर्दे के पीछे, अरे कोई है, मैं आश्रम में रहने वाला ब्रह्मचारी हूँ, मैं पानी पीना चाहता हूँ, मुझे पानी चाहिए हड़बड़ाहट में। विजया देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झट से गई, सहसा ही बटु रूपधारी शिव ने प्रवेश किया। विजय के ब्रह्मचारी आपका स्वागत है, कृपया बैठिए, ये मेरी सखी पार्वती है जो शिव को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही है। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है आपने आप वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं जिनको संस्कृत और हिंदी कम आती है। बटु हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, हे अब वो ऋषि और पार्वती में वार्तालाप, हे तपस्विनी क्या तुम जानती हो कि पूजा पाठ करना जानते हो, स्नार्थम जलम सुलभम कि स्नान के लिए जल चाहिए, भोजनार्थ फलम वर्तते भोजन के लिए फल चाहिए, त्वम तू जानसी एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कि तुम नहीं जानती हो कि ये शरीर ही हमारा जो है हमारा ये माध्यम है जिसके द्वारा क्या किया जा सकता है, हम अपने शरीर का सर्वप्रथम है हमारा शरीर। पार्वती तूषणी तीर्थ, पार्वती चुपचाप बैठी रहती है। बटु हे तपस्विनी किमर्थ तपा तपसी, हे तपस्या करने वाली ऋषि ही बोल रहा है, किमर्थम तपा तपसी क्या तुम तपस्या करती हो शिवाय शिव जी की। पार्वती पुनः तूषणी तीर्थ से वह फिर चुप रहती है। विजया आकुली भूय आम, हाँ उसने विचलित होकर बोला, हाँ हाँ तस्मे एव तपा तपती, वह है तपस्या कर रही है, बटु रूपधारी शिव सह सैव उच्चे उपासती। अब वो शिव का रूप धारण करके ऋषि का रूप धारण करके शिव आए हैं तो वो ऊंची आवाज हंसते हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। बटु आई पार्वती सत्यमेव शिव त्वम शिवम पति इशसी, तुम सचमुच पति को अपना शिव को अपना पति मानती हो, उसको प्राप्त करना चाहती हो पति के रूप में, उपहास कर रहा है, नामना शिवा अन्यथा शिवा, वह है उसका नाम तो शिव है मीन शुभ है, अर्थात नहीं तो अशिभा मीन अशुभ है, शमशाने बस्ती शमशान में रहता है, यस्य त्रिणी नेत्राणी तीन नेत्र हैं उसके, वसनम व्याघ्र चरम और वह उसके वस्त्र बुभूत लगाए बैठता है, और चितावस्तम अंगरागा परिजना शनासभूतगणा और भूतों के साथ वह रहता है। किम तमेव शिवम पति इशसी, तुमने पति को शिव को पति बनाने की इच्छा कर ली है, उपहास कर रहा है शिव जी जो है उपहास कर रहे हैं ऋषि के रूप में। हे तपस्विनी क्या तप आदि करने के लिए पूजा सामग्री है, स्नान के लिए जल उपलब्ध है, फर्जन के लिए फल है, तुम तो जानती ही हो शरीर ही धर्म का आचरण के लिए मुख्य साधन है। हे तपस्विनी किस लिए, बटु कहते हैं कि किस लिए तप कर रही हो शिव के लिए। पार्वती फिर भी चुप बैठी है। विजया आकुल होकर
हाँ उसी के लिए तप कर रही हूँ। बटु रूपधारी शिव अचानक ही जोर से हंस उपहास करता है। अरे पार्वती, सच में तुम शिव को पति रूप में चाहती हो? उपहास कर रहा है मजाक करते हुए। नाम से शिव अर्थात शुभ है, अन्यथा अशिव अर्थात अशुभ है। शमशान में रहता है, जिसके तीन नेत्र हैं, वस्त्र व्याघ्र की खाल है, अंगलेप चिता की भस्म, और सेवक गण है, भूत गण है। क्या तुम उसी शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो? अब ऋषि जो है वह मजाक कर रहा है पार्वती के साथ। तो पार्वती क्या होती है, क्रुद्धास्थति, क्रुद्ध हो जाती है, उसको गुस्सा आता है। अरे बचाल अवसर, जगती ना को अपि शिव सीथार्थम स्वरूपम जानाती तव यथा तवम सी तथैव वदसी। बोलती है चुप अफस, और जगती ना को अपि शिव से, तुम उसके बारे में नहीं जानते, स्वरूप जानाती, उसके रूप में भी नहीं जानते, तमसी तथा वदसी उसके बारे में ऐसा बोल रहे हो। विजयाम प्रति सखी चल या निंदा करोती, ये निंदा कर रहे हैं, सा तू पाप भाग भवती, तुम पाप की भगनी मत बनो, पाप के भाग्यदारी मत बनो। निंदा करने का वाले का साथ देने से हमें भी पाप लगेगा। या श्रणोती सो अपि पाप भवती, उस तुम भी पाप की भाग्यदारी बन रही हो। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामती, वह गुस्सा हो रही है। तदैप पृष्ठा बटो रूपम परित्याजत शिवा तस्य, वह बाहर जाने को तैयार हो जाती है। वह तो जा नहीं रहा है, फिर पार्वती जो को बहुत ही गुस्सा आता है और वह उठकर बाहर जाने को तैयार होता है। पृष्ठा बटो रूप परित्याजत, फिर उसने ऋषि ने शिव जी का रूप धारण कर लिया, ऋषि के रूप से में आया था, फिर शिव का रूप धारण करके बोले शिव तस्या हस्त गृहान, मैं ही शिव हूँ। पार्वती लजाया कंपते, पार्वती जो थी लज्जा से कांपने लगी। शिव पार्वती प्रीतो अस्मी त्व संकल्पलेन, तुम अपने संकल्प में सफल हो गई हो। अध्यम प्रवृत्ति अहम तव तपो भी कृत दासो अस्मी, तुम अपने इस परिश्रम से इसमें सफल हो गई हो, पास हो गई हो। नित दाना पार्वती बहसती, पार्वती क्रुद्ध होकर अरे पाचाल चल हट, संसार में कोई भी शिव के यथार्थ असली रूप को नहीं जानता, जैसे तुम हो वैसे ही बोल रहे हो। विजय की ओर सखी चलो, जो निंदा करता है वह पाप का भागी होता है, सुनता है वह भी पाप का पापी होता है। पार्वती तेजी से बाहर निकल जाती है, पीछे ब्रह्मचारी का रूप त्याग कर शिव उसका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जा से कांपती है। शिव पार्वती, मैं तुम्हारे दृढ़ संकल्प से खुश हूँ, आज से मैं तुम्हारा तप से खरीदा दास हूँ। झुक के मुख वाली पार्वती मुस्कुराती है। तो छात्रों इस प्रकार पार्वती ने तप किया और शिव जी को प्राप्त किया। यही थी, ये आपकी सुविधा के लिए, ये आपकी सुविधा के लिए इंग्लिश में ट्रांसलेशन, इसे देख लेना। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।